ओए लड़की बहरी, क्या है ये? हाँ, हैंड्स फ्री लगा के कौन किचन में काम करता है? बड़े मजे आए हुए, पर भूल गई हो इस घर में जबरदस्ती की मेहमान हो। मेहमान, खुद को मालकिन समझने की गलती मत करना, बहुत पछताओगी। आप हमेशा मेरी फिक्र में क्यों मुतला रहती हैं? ये छोड़ें कि मैं मेहमान हूं या मालकिन, आपको क्या काम है मुझसे? घर वाले सब कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। आपको किससे मिलना है? ये छोड़ो कि मुझे किससे मिलना है, जो पूछा है वो बताओ, कहाँ है सब? वकार अम्मी को लेके गए हैं और एमन अपने कमरे में। मैं एमन के कमरे में जा रही हूँ, मेरी चाय वहीं लेकर आना। ओके, एक्सक्यूज मी, हैंड्स फ्री। क्या हो गया? काफी परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ खास नहीं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? फूफो जान कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मामा भी ठीक हैं। ये बताओ, वकार मामानी जान को लेकर कहाँ गया है? तुम्हें किसने बताया? उसी जबरदस्ती के घर में घुसी औरत ने। मैं पता है, ये मजे मजे से लहक लहक के गाने सुन रही थी, काफी खुश नजर आ रही थी। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हेमन, क्या हो गया तुम्हें? वो बिन बुलाए जबरदस्ती के मेहमान गाने सुन रही, खुश हो रही है, तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं? जब वो खुश है तो मैं क्यों परेशान हूँ इसमें? मेरी बला से दूर, वो खुश होती है तो होती रहे, जब वो रोती है ना मैं तब भी उसकी परवाह नहीं करती, तो अब क्यों करूँ? एमन, तो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही यार। उसका रोना तो समझ में आता है, मगर खुश होना परेशानी वाली बात। इस तरह तो वो इस घर में अपने कदम जमा लेगी। अच्छा चलो ठीक है, परेशान हो जाते हैं, अब और भी बता दो क्या करें। तुमसे ना बात करना बहुत ही मुश्किल है, मैं जाके देखती हूँ, मेहमानी जान शायद आ गई। यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती और इसको विरसा की खुशी की पड़ी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। आप लोग कहाँ गए थे? और ये क्या है? ये बाबा के दोस्त के बेटे की आज शादी पे जाना है रात को, उसके लिए गिफ्ट लिया। ओह अच्छा, मैं जरा थक गया हूँ, ऊपर जाके फ्रेश हो जाता। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं मुमानी जान के साथ गपशप करती। अम्मी मैंने दो कप चाय बना ली थी कि अगर आपका भी दिल करे तो आप भी पी लें, वकार तो बाद में पियेंगे। ठीक है रख दो, मूड हुआ तो पी लूंगी। मैं जरा वकार को देख लूं, शायद किसी चीज की जरूरत हो। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा फ्री हो रही? मिलती तो रहती हो वकार भाई से, आज ऐसी क्या बात है जो धरना देकर बैठी हुई हो? तुम तो ऐसे मत कहो, जानती हो मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ वकार से। तुम्हारा ख्याल करके दो बार बुला चुकी उन्हें, मगर विरसा भाभी ने कहा है कि वो सो गए हैं। तुम कह देती जू भी इंतजार कर रही है, जगा दे उसे। कहा था तो फिर क्या कहा तुम्हारी भाभी ने? कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर वकार को नींद से जगाओ तो उनका मूड खराब हो जाता है, बाद में मिल लेना। और वैसे मिल तो चुकी हो तुम उनसे? नहीं, मुझे आज ही मिलना है, मुझे जरूरी बात करनी है। बात? क्या बात करनी है? यही ना कि विरसा भाभी आज गाने क्यों गा रही थी, वो इतनी खुश क्यों थी? तुम अगर मेरे साथ नहीं बैठ सकती तो जाओ यहाँ से, मैं इंतजार कर लूंगी, मगर आज ही मिलूंगी। पर मुझे पता है वकार को आज मुमानी जान के साथ शादी में जाना है, तो जागना तो पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं तो जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। जाओ। Thank you.
ऐसा क्या देख रही? देख रही हूँ कि आप सोते हुए बिल्कुल फरिश्ते की तरह लगते हैं। और जब उठता हूँ तो शैतान लगता। टाइम क्या हो गया? वो मैंने बाबा और मामा के साथ शादी पे भी जाना है। इसके अलावा एक और मसरूफियत भी आपकी। और क्या? ज़ूबी नीचे आपका इंतजार कर रही है। ज़ूबी अभी तक है? फिर तो उसे मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं उसे बात करने जा रहा हूँ, तुम प्लीज मेरे कपड़े निकाल देना। तक यहाँ हो? I'm sorry, मुझे नींद आ गई थी। एमन कहाँ है? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। एमन को मैंने ही भेजा है, उसे पढ़ाई करनी थी। खैर, कोई खास बात? तुम अब तक यूँ? हाँ, कोई खास बात नहीं। एमन गई थी तुम्हें जगाने, मगर उस मुझे ने जगाने ही नहीं दिया। कौन मुझे? वही जो तुम्हारी नाम निहाद बीवी बनी हुई है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ ज़ूबी, वो मेरी नाम निहाद बीवी नहीं, वाकई में मेरी बीवी है। जबरदस्ती की बीवी जो खुद मुंह उठा के ससुराल आ गई हो, इसे कुछ ज्यादा हक नहीं जताने लगी तुम पे? अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, तुमने कुछ कहना था मुझे। मैं ना कल से यहीं आ रही हूँ, तुम्हारे घर तुम्हारे पास, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ रहने आ रही है? रहिए तो। बता, पहले तो इस तरह तुमने कभी नहीं पूछा। मैं पहले भी यहाँ आती थी, स्टे करती थी, एक एक हफ्ता, कभी तो उससे ज्यादा। ठीक है, अब भी नहीं पूछूंगा। इट्स ऑल गुड, तुम्हारे मामू का घर है, जब चाहो आओ और रहो। इस नागिन का सर कुचलने के लिए मुझे यहाँ आना ही होगा।